आज हम बात करेंगे उत्तराखंड सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की आपकी निकली भर्ती के बारे में, जिसमें आपकी ग्रुप गा की वैकेंसी निकली है। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा हमारा ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का, किस तरीके से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, उसकी सारी जानकारी आपको हमारे वीडियो में मिल जाएगी। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। मैं फ्रेंड आप लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारियां उनके ऊपर वीडियो है आपके लिए बनाता रहता हूं फ्रेंड, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको डेली गवर्नमेंट जॉब की जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड बात करते हैं इसके ऑप्शन नोटिफिकेशन पे चलते हैं, जो कि हमारी यूके की आपकी डबल एस सी की वैकेंसी। यहाँ पे आप देख रहे हैं उत्तराखंड की आपकी जो वैकेंसी है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ठीक है। यहाँ पे आपकी सम्मुख गाहकी सचिवालय प्रशासन विभाग के अंतर्गत सचिवालय सुरक्षा संवर्ग की वैकेंसी 33 वैकेंसी है। यहाँ पे 5 फरवरी का नोटिफिकेशन निकला था, आपका आवेदन तिथि 10 फरवरी से लेकर 26 मार्च तक आवेदन कर सकते 2021 को। आवेदन जो कि फिल्म आवेदन की जो जमा राशि करने का अंतिम समय 28 मार्च है। परीक्षा का अनुमानित समय जुलाई 2021 है, ठीक है। सम्मुख गाहकी यानी ग्रुप सी की वैकेंसी 33 वैकेंसी है, ठीक है। रक्षक की जो वैकेंसी सिक्योरिटी ऑफिसरों की वैकेंसी है, जो कि OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन के करना अनिवार्य है। जिन अभ्यर्थियों का OTR प्रोफाइल नहीं भरा है, वह यह उन्हें आवेदन पत्र भरने के पूर्व OTR भरना अनिवार्य है। OTR में भरी गई जानकारी डेटा आवेदन पत्र का भाग बनेगा, अतः आवेदन पत्र को भरने से पूर्व OTR के अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें, ठीक है। तो आवेदन पत्र भरने के पूर्व तो OTR भरने से पूर्व आपको एडिट का विकल्प दिया जाएगा, वहां पर संशोधित कर लें। हर प्रकार की त्रुटि रहित OTR को पर ही आवेदन पत्र भरना प्रारंभ करें। त्रुटिपूर्ण आपका OTR त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र कारण अभिलेख सत्यापन में समय आपका समर्थ और निरस्त कर किया जा सकता है, ठीक है। OTR भरने के समय आपको आपको टोल फ्री नंबर दे रखा है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। उपयुक्त जो कि अभ्यर्था हैं, जो चयन के आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को वस्तुनिष्ठ यानी आपका जो कि वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के ऑनलाइन ऑफलाइन परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे इसकी जानकारी आपको SMS ईमेल द्वारा जानकारी मिल सकती है या आपके लोकल अखबार द्वारा आपको उसकी जानकारी दी जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सचिवालय सुरक्षा संवर्ग अंतर्गत रक्षक की वैकेंसी है, यहाँ पे आपको जो कि आरक्षण श्रेणी के अनुसार है टोटल वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगी, ठीक है। 33 पद की वैकेंसी, पद कोड यहाँ पे आपको देखने 451 461 31 2021 है, ठीक है। सैलरी यहाँ पे 21 से लेकर 69,000 लेवल 3, आयु सीमा 18 से 35 वर्ष देर की है। यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है यहाँ पे आपको देखते हैं अस्थायी अंशदायी निपेंशन युक्त शैक्षिक आर्थ मध्य आपका मध्यिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड से हाईस्कूल परीक्षा सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा से उत्तीर्ण अधिमान यहाँ पे देखते हैं लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थियों की सूची ऊपर रखा जाएगा। सामान्य अन्य वर्ग के 165 और महिलाओं के लिए 152, अनुसूचित जनजातियों के 161.57.5 और 147, पर्वतीय क्षेत्र के 160.147, सीना बिना फुलाए आपका देखते हैं और फुलाने पर यहाँ पे 78.8 33.8, ठीक है। यहाँ पे आपका जो वजन है केवल महिलाओं के लिए 45 किलोग्राम न्यूनतम, ठीक है। लिखित परीक्षाओं में पदानुसार पाठ्यक्रम रहेगा, 100 अंकों की आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 2 घंटे का समय है, 1 लिखित परीक्षा होगी जो सामान्य हिंदी सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन से संबंधित विषयों पर आधारित होगा, जो परीक्षा हाईस्कूल के स्तर की होगी। लिखित परीक्षा प्रतियोगिता भी देखते हो OBC श्रेणी को 45% तथा, ठीक है, सामान्य व OBC के जनरल व OBC कैटेगरी को 45, आपके जो अनुसूचित जनजातियों के SC ST के कैंडिडेट के लिए 35 यहाँ पे लेके आने होंगे लिखित परीक्षा में, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन सही करने में 1 नंबर दिया है, गलत करने में 1/4 आपके अंक काट लिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके लिखित परीक्षा के प्रश्न बुकलेट आपको परीक्षा के पश्चात ले आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी OMR की ट्रिप्लीकेट होगी, OMR के आपके आपके द्वितीय पत्र प्रति अलग से संरक्षित की जाएगी, तृतीय प्रति को आप अपने साथ ले आ सकते हैं अभ्यर्थी, ठीक है। यहाँ पे आपकी आयु की बात करें 1 जुलाई 2020 के अनुसार 1 जुलाई 2020 के अनुसार 18 न्यूनतम होनी चाहिए, मैक्सिमम 35 से अधिक नहीं होनी चाहिए, और उत्तर परंतु यह उत्तराखंड राज्य के अनुसूचित जनजातियों के लिए आपको ये रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं उनको 5 साल की आयु की छूट रहेगी।
उत्तराखंड लोक सेवा की परिधि के बाहर के समूह गा की सीधी भर्ती के लिए पदों पर भर्ती होंगे जो कि आज जिन्होंने हाई स्कूल किया या इंटरमीडिएट करा है उत्तर जो कि उत्तराखंड की शिक्षा से किया है, ठीक है। तो उन्होंने शिक्षा आपने उत्तराखंड से किया तो वही लोग जो कि उत्तराखंड के बाहर से वही आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। परंतु यहाँ पे सैनिक अर्धसैनिक बलों के कार्य राज्य सरकार के अधीनस्थ राज्य की अर्धसैनिक नियमित पदों पर नियमित रूप से कर्मचारी केंद्र सरकार के सार्वजनिक के नियमित रूप से उत्तराखंड के कर्म की उनकी सेवा उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित है तो उनकी जो यहाँ पे जानकारी उनके पुत्र पुत्री वो आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनके बारे में जानकारी वो दे सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रीयता भारतीय नागरिक होनी चाहिए, बाकी डिटेल यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। चरित्र वैवाहिक परिस्थिति के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी दे रखी है, वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप फ्रेंड देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करने के बारे में बताया किस तरीके से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट पे जाएंगे, यूकेएससी के ओटीआर पे लिंक पे क्लिक करेंगे। वन टाइम आपका रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल बनाना अनिवार्य है। उम्मीदवार के यूजर नेम बनने के बाद वैध ईमेल आईडी से नंबर होना आवश्यक है। ओटीआर आपको प्रोफाइल की दी गई सूचना को ध्यान से भरना है, ठीक है। यहाँ पे पासपोर्ट साइज का 50 KB स्कैन किया हुआ सिग्नेचर आपका 50 KB, अंगूठे का निशान 50 KB का रहेगा। यूजर नेम के साथ लॉगिन करते समय आवेदन लिंक के तहत आपको आप विज्ञापन दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरी जानकारी दे रही है, आपको पेमेंट करने के लिए आपको ऑप्शन बता रहे हैं नेट बैंकिंग डेबिट क्रेडिट कैश या आप किसी से भी कर सकते हैं। शुल्क यहाँ पे आप देखते हैं सामान्य अन्य पिछड़ा लोगों के लिए 300 रुपये, उत्तराखंड के अनुसूचित जातियों के लिए SC ST के लिए यहाँ पे 150 रुपये, उत्तराखंड के दिव्यांग आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 150 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नियम और शर्तों को पहले से पढ़ लें, अगर एडिट करने से पहले सारी जानकारी एक बार कर लें उसके बाद ही आप सबमिट पे क्लिक करें, ठीक है। तो ये जानकारी थी आप लोगों को मैंने बताई फ्रेंड। अगर फ्रेंड ये वीडियो या आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल है तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ें। डेली आप लोगों को ऐसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारियाँ हैं वो मिलती रहेगी हमारे चैनल के माध्यम से। फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ें और वीडियो देखें।